दोस्तों, क्या आपके पास स्मार्ट वॉच है, यानी कि आपके पास स्मार्ट वॉच है, आपके पास किसी भी कंपनी का हो सकता है। जैसे हमारे पास ये यहाँ पर जो हमारे पास स्मार्ट वॉच है, ये वोट कंपनी का है, वोट कंपनी का स्मार्ट वॉच है। तो आखिरकार अपने स्मार्ट वॉच के आप वॉलपेपर पर अपना फोटो कैसे लगाएंगे, वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आखिरकार स्मार्ट वॉच के होम पेज पर, या आप कह सकते हैं कि इसके यहाँ पर जो वॉलपेपर लगा है, इस वॉलपेपर की जगह पर अपना फोटो हम कैसे लगा सकते हैं। तो बस आप ध्यान से देखिए ना, आपको पता चलेगा, तभी आप लगा पाएंगे। तो हमारे पास ये वोट का वॉच है, तो आपको अपने मोबाइल से पहले कनेक्ट करना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि अपने वॉच को मोबाइल से कनेक्ट कैसे किया जाता है या कैसे कर सकते हैं, तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मैंने तो यहाँ पर कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसका जो एप्लीकेशन आता है वो आता है, आपको दिखा दें, ये हो जाता है इस एप्लीकेशन, यानी कि इस वॉच का एप्लीकेशन बोट वायरलेस। अब आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपका इस तरीके से ये होम पेज दिखाई देगा। अब आप अपने वॉच का वहां पर वॉलपेपर की जगह पर अपना फोटो लगाना चाहते हैं, तो आपको यहां पर मिलेगा एक वॉच का आइकन। अब आप इस पर क्लिक कर दें और यहां पर मिलेगा वॉच फेस। अब आप इस पर क्लिक करें तो यहां पर सारे के सारे वॉलपेपर दिखाई देंगे। जो अभी हमारा सेट है, ये वाला सेट है, और अगर ये सेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा सेट हो जाएगा, आपको लाइव देखना दिखाई दे रहा होगा। अगर हम ये सेट करना चाहते हैं तो ये सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो फोटो कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको यहां पर आपको एक विकल्प मिलता है, कस्टम वॉच फेस। यहां पर देख सकते हैं, कस्टम वॉच फेस। तो आपको यहाँ पर कस्टम वॉच फेस पर क्लिक करना है। तो मैंने तो अपना एक बार फोटो सेट किया है, तो यहाँ पर सेट है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर क्रिएट कस्टम वॉच फेस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा अपलोड इमेज, अपलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे, अपने गैलरी से अपना फोटो आप ले लेंगे, जो भी आपका फोटो हो। तो चलो हम अपने गैलरी से एक फोटो ले लेते हैं। जैसा हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अभी हमारे गैलरी में बहुत सारा फोटो है, हम यहाँ से एक फोटो ले लेते हैं अपना फोटो। तो चलो मान लेते हैं एक ये फोटो है, तो इसे हम ले लेते हैं। यहाँ पर लेने के बाद अब आप इसे अपने हिसाब से सेट कर लेंगे कि आप कितना फोटो लगाना चाहते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर मिलेगा डन यानी कि राइट। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो यहाँ पर सेट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपका जो टाइम है, ये आपका कहाँ पर दिखाई दे, अप में या डाउन में, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये टाइम कहाँ पर दिखाई दे, इसका कलर कैसा हो, इस तरीके से कलर कैसा हो, तो आप कलर चूज कर लीजिए। और ये आपको अवेब में दिखाई दे या विलो में, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। उसके बाद इन्फो पर क्लिक करिए। इन्फो पर क्लिक करने के बाद और भी आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, जैसे स्लीप, हर्ट्स, डेट, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सब अवेब में ऐड करना चाहते हैं और हम यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम डन पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। सेंडिंग कस्टम वॉच फेस टू डिवाइस में यहाँ पर आ गया है, माइट टेक सम टाइम, यानी कि कुछ समय इंतजार करना होगा, प्लीज वेट लिखकर आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे वॉलपेपर में यही फोटो सेट हो चुका है जो मैंने अभी सेट किया है। ओके कर देंगे, डन कर देंगे। तो ऐसे तरीके से अपना फोटो आप सेट कर पाएंगे अपने स्मार्ट वॉच में, जो आपको मैंने पूरा का पूरा जानकारी दे दिया है, और इस तरीके से सेट कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जान गए होंगे कि आप अपने स्मार्ट वॉच पर अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।